आरोग्याची काळजी या ठिकाणी असा कार्यक्रमातून घेताना पाहताना खूप बरं वाटतं की मेक अर्थ ग्रीन अगेन मेगा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ह्या एवढ्या चांगल्या कार्यक्रमाला त्यांनी आयोजित केलं आणि विशेषतः सॅनिटरी पॅड डिस्ट्रीब्युशन अँड हायजीन स्कूल प्रोग्राम आयोजित केला, त्याचं आता पूजन सुरू आहे. Thank you.
हूँ अपने बच्चों में, अपने बड़ों में, अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में वो ज्ञान को बांट सकते हैं। ज्ञान आजकल फ्री है यार, देखो सब चीज बहुत मिलती है, लेकिन नहीं सिर्फ ज्ञान फ्री है। तो मैं आप लोगों को ये फ्री ज्ञान देती हूँ कि आप लोग प्लीज एक पर्सनल हाइजीन जो होता है इवन एज अ वुमन कितना जरूरी है, कि साइंस ने हमको इतना सब कुछ दिया है, हमारे पास एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, हमारा हमारी जो प्रकृति है इतनी खूबसूरत है, उसको कैसे भी बचा के रखना, कैसे साफ रखना, साफ सुथरा रखना। हमारे साथ यहाँ हमारे सर बीएमसी से आए हैं, उनसे काम है, हाँ यहाँ पर मिले तो नमस्ते करो पहले से आप, और ये सर आपके साथ हैं तो नमस्ते करो। ये हमारी मुंबई को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये धरती, ये देश, ये शहर, ये स्कूल, ये घर, ये मुंबई शहर, ये आपका है, तो आपकी भी क्या बन जाती है जिम्मेदारी कि हम साफ सुथरा रखें, करें तो सब लोग आज वचन लो कि हम सबको हेल्प करेंगे साफ सुथरा, और सबको बताएंगे कि ये साफ सुथरा रखो हमारे, ये हमारा ही है, और अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो हवा साफ नहीं होगा, पानी साफ नहीं होगा, तो फिर किसको हानिकारक होगा, ये आपको ही हानिकारक होगा, आप आगे की पीढ़ी हो, आगे की जनरेशन हो, तो आपको ही आगे लेके जानी है बात आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आज वचन लो कि अंकल हम सब आपके साथ हैं, तब वन टू थ्री वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू बाप रूप बच्चे बात। हम ये जो पैड्स मारते हैं, आप लोग अभी शायद कुछ को आगे होंगे आपके पीरियड्स और कुछ को नहीं रहेंगे, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ऊपर वाले ने हमको बनाया है और ऊपर वाले ने हम लोग को औरतों को चुना है कि हम लाइफ यानी कि द सर्कल ऑफ लाइफ को आगे ले जा पाए, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए शायद हमारे हमारे सदियों से और हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों को देवी के मानते हैं, देवियाँ मानते हैं, उसके जान पहचान से उनको देवियाँ माना जाता है, क्योंकि क्यों, क्योंकि हम जिंदगी देते हैं, औरतें क्या करती है लाइफ देती है, करेक्ट, चाहे आपके हस्बैंड्स के बच्चे हो या आपके फ्यूचर जनरेशन को आप आगे लेके जाएंगे, तो उसके लिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पैड्स यूज करना, डिस्कस करना, अपने मम्मी से डिस्कस करना, अपने डैडी से डिस्कस करना, पापा से डिस्कस करना, इसमें कोई शर्म नहीं, ऊपर वाले नहीं बना के भेजा है, करेक्ट करेक्ट। एंड डिस्पोजेबल पैड्स, आप पैड्स को कभी भी टॉयलेट में मत फ्लश कीजिए, क्योंकि वो जो बीएमसी वालों ने जितने ड्रेनेज पाइप्स लगाए हैं उसको जाके वो ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको न्यूज़पेपर या किसी भी ओल्ड पेपर में रैप करके डस्टबिन में ऑलवेज डिस्पोज कीजिए, कभी भी लैट्रिन्स या ड्रेनेज में डिस्पोज नहीं कीजिए, क्योंकि वो पानी को जमा देता है, पाइप्स को जमा देता है, ठीक है। I mean, this is all that I can tell you. बाकी तो आप लोग इतने ब्राइट और इतने होशियार हो, and I'm so proud of you. Thank you.
Renounce.
फोटो ले मत फोटो कर लिया Thank you.